फ्रेंड्स, हमने ले ली है मम्मी से परमिशन बनाने के लिए जेली। हम बना रहे हैं ये रास्पबेरी क्रिस्टल जेली, जेली वाला, और ये लगे हुए थे। मजा आया। नहीं, उसका ना लग जाए तो बच्चों को ना कभी कभी ऐसा एक्टिविटी करने देने चाहिए, क्योंकि ना उनको भी मजा आता है कुकिंग करना, तो एकदम से कुछ सीखेंगे नहीं तो कैसे बना। गुड मॉर्निंग माई यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। और बहुत अच्छा वेदर हो रहा है, इतनी ठंड है ना, बहुत ठंड, बिल्कुल जनवरी वाला फील आ रहा है। और जैसे ही मैं बाहर आऊँगी, सिम्बा मेरे पीछे पीछे, इसका पहला कदम होता है। हाँ, आप ही का कम्बल है बेटा, आप ही का ब्लैंकेट है। कल नहलाया था तो इधर ही इसका ये सुखा दिया था, इधर पड़ा है, उठाएंगे। और देखिए वेदर बहुत ठंडा है और धूप निकली हुई है, मस्त लग रहा है एकदम, और जनवरी वाला पूरा फील आ रहा है। और उधर से ये दिख रहे हैं ना, धूप निकली हुई है, ठंड है और थोड़ा ग्रीनरी दिख रही है, तो बहुत ही प्यारा सीनरी बनी हुई है, बहुत ब्यूटीफुल एकदम सामने जो है व्यू दिख रहा है। ये देखिए ये वाले पार्ट में, और अभी यश जो है वो जाएगा स्कूल, नैनिका जा चुकी है, मनीषा घर पे ही है। आपको अंदर दिख रही हो तो लाइट ऑन नहीं है क्योंकि इसकी आज छुट्टी है, पता नहीं क्यों है आज छुट्टी, क्यों है छुट्टी? अच्छी लग रही क्रिसमस ट्री पे, लाइट ऑन और फैन कर दिया ऑफ, क्योंकि फैन अभी नहीं चाहिए, बहुत ठंडी हो रही है ऑलरेडी। वो तो धूप दिख गई है, नहीं तो सुबह सुबह उठी तो माय गॉड एकदम थोड़ी सी विंडो ओपन की ना तभी एकदम से, अभी तो आपको दिख रहा होगा बाहर थोड़ी धूप आ गई है। तो मैं क्या बोल रही थी, मनीषा आज छुट्टी किस लिए है? विंटर ब्रेक का लास्ट डे है। विंटर ब्रेक का लास्ट डे है, तो अभी सुबह सुबह इसने झाड़ू लगा दी और पास्ता भी बना दिया, काफ़ी मेरी हेल्प कर दी। और अभी मैं लगूंगी यश को अभी तैयार करूंगी, और जो है सिम्बू, सिम्बू इधर आओ, गुड मॉर्निंग बोलो दोस्तों को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ए गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग, कुछ मेरे हैंड में है ना, क्या हुआ, खेल लो, मस्ती मस्ती। अभी अभी झाड़ू लगी है, फिर से बाल बिछ जाएंगे, घूमी घूमी चलेगा इसको, धूप धूप में लेके चले क्या आज, हैं कल ना आया था, धूप में लेके चलते हैं इनसे, है ना सिम्बे? नहीं और उसमें ये है ना अपने बीच वाले सर्कल में, क्या बोलते हैं उसको, पोडियम है, तो इसको सोच रहे धूप में लेके जाएं, हम भी जाएं थोड़ा, मैं भी नहा ही लेती, सावर ले लेती, अच्छा लगेगा, एकदम फ्रेश फील करूंगी। देख कैसे खड़ा हो गया, देखो कौन आया, शिमू डोर खोलना, डोर खोलना बच्चा, कौन आया देखो, देखो माय गॉड, बस तो अभी 10 मिनट भी नहीं हुए, नीचे गई हुई को, चलो नीचे लेके चले, हाँ चलेंगे, देख कितना एक्साइटेड हो रहा है, दिखाऊं, इधर आ मेरे बेड पे, जल्दी आ, आप लोगों को दिखाती हूँ दोस्तों क्यों इतना ये हो रहा है परेशान, इसको खुद समझ में नहीं आ रहा, ये जो बेबी सुला रखा है ना मैंने, इसके लिए परेशान हो रहा है। बेबी है, बेबी चुआ दे, आ जा, बहुत तकलीफ हो रही है, बेबी कितना प्यारा बेबी है, ले जाएगा बेबी को, तू भी करेगी अब बताएगा, तू ही है बेबी, शांत। नहीं अभी क्या हुआ, मम्मा गुस्से में आई, जोर से बोली, हाँ मनीषा कोई डांटा, इसको तो डांटा भी नहीं है तो भी इसको शांत बैठ गया, नहीं तो नहीं बैठ रहा था, है ना, तू ही है बेबी, नहीं ये है हमारा बेबी, तो ये रहा बेबी, क्या देख रहा है ऐसे, ये चीज आंखें फाड़ फाड़ के क्यों देख रहा है मेरे को, चिम्बा चिम्बा है बेबी, है ना, लेकिन बड़ा बेबी है, छोटा तो वही है ना घर में, तो बड़ा हो गया, 1 साल का बुढ़ा हो गया, अभी भी बेबी है ये, इधर ले सिम्बू, आ जा ले 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 बेबी,
आज आज चलाएंगे, आज 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 चलाएंगे बेबी। नहीं चाहिए उसको बेबी, नहीं चाहिए। अरे नहीं हैंकी। तो दोस्तों ये ले ली मैंने प्याज, और पहले डोर बंद कर देती हूँ, बहुत आवाज आ रही है क्योंकि सोसाइटी में ना काम बहुत चालू है। कर लिया डोर क्लोज। इधर ले लिया मैंने पंकिन, और 1 kg लाई थी, 1/2 kg होगा ये, कुछ ये निकल जाएगा। और सूखी बनती है सब्जी, और एक ये बड़ा प्याज ले लिया है, और ये देखिए लहसुन। और अभी मैं कट करके सब्जी बनाऊंगी, अभी करूंगी लंच की तैयारी, और साथ के साथ मैं कर रही थी एडिटिंग। लाइट जो है ऑफ कर देते हैं, बैठे बैठे मैं अपना छील भी लूँगी, सब्जी कटवट कर लूँगी, दूसरा एडिटिंग भी करती रहूँगी, क्या करूँ। तो ये चलिए फटाफट लंच की तैयारी हो जाएगी, नहीं तो फिर बच्चे भी आ जाएंगे स्कूल से, गेस्ट तो आ ही जाएगा। प्यारी प्यारी उनके साथ और खेल लूँ मैं, चल भाग इधर से, भाग इधर से, नहीं करेंगे मैं प्याली प्याली अभी। मम्मी की प्यारी प्यारी दोनों लगी हुई थी, किससे पप्पी करने इसको है। मनु शर्ट निकाल दो बेटा स्कूल की, और खेलने के लिए मेरे पास आता है। नहीं खेलूंगी मैं, खेलने के साथ। हाँ बाय। तो दोस्तों अभी हो गई है दोपहर, और अभी लंच वंच करके अभी थोड़ी देर सोएंगे, क्योंकि मुझे ना ऐसा हो रहा वॉमिटिंग जैसा और सर दर्द। दवाई ली है मैंने पेन किलर, लेकिन क्या करे, लेना नहीं चाह रही थी, सुबह से था बट नहीं हुआ। इधर कुलदीप भी सोए हैं, और अभी कुलदीप की तबीयत ठीक है पहले से, और इधर यस भी सुला दिया मैंने, स्कूल से आया था। अभी मैं भी थोड़ी देर आराम करूँगी, दवाई ली है तो देखो अभी थोड़ा विक्स वगैरह लगा के सोऊंगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। तो फ्रेंड्स हमने ले ली है मम्मी से परमिशन बनाने के लिए जेली। हम बना रहे हैं ये रास्पबेरी क्रिस्टल जेली, सो बड़ा मज़ा आने वाला आई थिंक सो। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बॉईल करना है वाटर। मैंने यहाँ पे पानी चढ़ा दिया है गर्म करने के लिए, और यहाँ पे 2 packets मिले हैं इसके साथ में, तो एक ये है और एक ये। पानी चढ़ा दिया बॉइलिंग के लिए, और यहाँ पे आई थिंक ये फ्लेवरिंग दी है, और हमें दिया ये जेलेटिन है, ये जेली मिक्स है, ये फ्लेवर मिक्स है। ओके, इधर लिख रखा है ये जेली मिक्स, ये फ्लेवर मिक्स है। यहाँ सारे इंस्ट्रक्शन मेंशनड है। तो सबसे पहले हमें इसको इसके बाउल के अंदर डालना था, जो कि हम बाद में करेंगे। और अभी यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है, जो कि यहाँ लिखा है step 2 बॉयल 500 ml ऑफ वाटर विदाउट मेजरमेंट। हम करेंगे क्योंकि हम तो यू नो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। और फिर 3rd step इसको मिक्स करना है एक बाउल के अंदर डाल के। 4th step इसको डालना है किसी भी कंटेनर में डालना है इसको, और फिर फ्रिज में लाइक 1 to 2 hours के लिए रख देना है, ऐसा लिखा है। एंड देन आपका जो जेली है वो रेडी है। सो लेट्स सी कैसा बनता है, थोड़ी देर में दिखाती हूँ कैसा बनता है। हमने ये मोल्ड में भी डाल दिया है, दिख नहीं रहा होगा ये रहा, और कप्स में डाल दिया है क्योंकि अलग अलग शेप चाहिए मुझे, एंड आई रियली लव शेप्स। तो ये बिल्कुल गर्म है एंड हैज़ नो फ्लेवरिंग राइट नाउ, तो बहुत गर्म है ना इसलिए। अभी हम इसे फ्रिज में रखेंगे 1 to 2 hours, और फिर निकाल के देखेंगे तो प्यारी सी जेली निकली। लेकिन उसके पहले फ्रिज में रख देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बचा भी है, ऐसे दिखाती हूँ, ये रहा बचा है। दीदी को अच्छा नहीं लग रहा इसका टेस्ट, क्योंकि इसके अंदर अभी फ्लेवरलेस लग रहा है, गर्म है ना, ठंडा हो जाने दो, ठीक है ठीक है। और फिर ये थोड़ा सा और बचा, थोड़ा जब ज़्यादा खाते हैं, हाँ जब ज़्यादा चखना शुरू भी कर दिया भुक्कड़। तो ये दीदी हमारी भुक्कड़ है, जैसा कि आप जानते हो भुक्कड़ गई की। तो ये थोड़ा बचा है, इसे हम एक और कंटेनर में डालेंगे, ग्लास कंटेनर में, और फिर रखेंगे फ्रिज में। फ्रीज़र में नहीं रखना है इसे, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है। तो अभी रखते हैं। ये थोड़ा मोल्ड वैसा है तो हिल सकता है, इलास्टिक टाइप,
तो इसलिए प्लेट ले ली यहाँ पे। यू नो कि पेपर कप्स का कितना अच्छा शेप है, तो उसके अंदर डाल दिया है और इसको भी जमा देते हैं। हमने एक ग्लास कंटेनर में भी डाल लिया है, तो हम इसे भी फ्रिज में रखते हैं। यच्चू उठ जाओ, सही टाइम पे उठ गया। अरे बाबा तो शालिश हो गए थे, सही टाइम पे उठ गया। और वो देखो उधर बाबू, उठ जाओ, सही टाइम पे उठ गए ना, उठ जाओ। हाँ रात को कछ हो गए, देख रात होगी, अंधेरा हो गया, चल खेल के आएंगे प्ले एरिया में, चलोगे? हाँ नहीं। हाँ चिम्बा, पूरा दिन तो इसका प्यार होता है, पूरा दिन, कभी ऐसा होता नहीं होता है, है ना? आएगा अभी। क्या हुआ, क्यों रुच का मम्मा जी? आ जा तो बच्चा नहीं करते, आ जा ना, मम्मा का नहीं करवाना भाई, पापा से करवाना है। देख लो, देखो आ गया वो फिर से। क्या पापा से करवाना है, प्यारी प्यारी का कौनी है? जेली, जेली बना के गई शायद दीदी, रख के गई है फ्रिज में, जमा के आएगी तो देगी फिर, तब तक वो बन जाए। अरे हिलाना नहीं, कहीं वो खराब हो जाए, मुझे तो पता भी नहीं है, मैं तो जस्ट ऐसे बोल रही थी बच्चों। कितनी जल्दी नींद खुल रही है यश की। चक्कर पड़ रहा है पापा का, बोल लेके आएगा, अपनी रस्सी वस्सी लेके आएगा कुछ खेलने के लिए। अरे तो मैं बनाई है एक क्रिसमस वाले ब्रेड में और एक बाउल में, पता नहीं मैंने देखा नहीं, मैं तो आईडिया से बता रही हूँ, सॉरी है ना सिंबू, इसको क्या चाहिए पापा से, गुम्मी नहीं ले जा रहे पापा का इतना चाहिए, इसलिए हो रहा है। जा जो है बन चुका है शिमला, और दिखाती हूँ आपको बाहर, इतनी ठंडी हवा जो चल रही है ना, और बाहर दिखाऊं तो माय गॉड आ रही है आवाज हवा की। ये देखो पेड़ पौधे कैसे हिल रहे हैं, यश लाइट देखो। तो देखिए सिम्बा भी आ गया, और वो फैन जो किसने लगाया हुआ है, और पेड़ पौधे कैसे कर रहे हैं आपको दिख रहे हो तो। लाइट ऑन करूंगी बट जो भी इसमें दिखाई देगा ना बिना लाइट के हमारे इधर। वाओ माय गॉड ऑसम, अरे कैसे बताऊं आप लोगों को, इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, और इतना मस्त लग रहा है ये व्यू जो है देखने के लिए। ओ माय गॉड, सो के उठे थे आज, थोड़ा सो गए तो फ्रेश लग रहा है, क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा था और दवाई लेके मैं सो गई थी, थोड़ा विक्स वगैरह लगा के फोरहेड पे नोज़ पे,
टूट गया? नहीं, नहीं वो नीचे से डंडी बड़ी थी ना। अरे तोता नहीं निकला है। अच्छा उसके अंदर ही निकाल लगा दो, उड़ जाएगा नहीं तो। वो निकला है। सिमु प्लांट्स तोड़ने के लिए नहीं बोला, और उसमें कांटे हैं पता है ना गंदू। ये देखो दोस्तों बहुत ही प्यारा वेदर उनका आज पुणे का, ठंड जरूर लग रही है। पापा खेलने के लिए तो कर रहा है। देखो इसको डर नहीं बिल्कुल भी, गुस्सा किया फिर भी लेके भागा चोरी करके। दे दे उसका है यशु, सिम्बू का है, ले ले सिम्बू, फाड़ ले अपना कंबल। अब तेरा हमारा नहीं, तेरा है। जा फाड़ अपना कंबल, कहाँ सोएगा फिर, क्या उड़ेगा? ओए गंदू गंदू आजा। अरे नहीं ले रही बाबा, मैं पेन उठा रही हूँ। देखो पेन भी तोड़ दिया। हाँ जी बोलो क्या? ग्रीन टी बना रखी है, जस्ट अभी डाल के आई थी 5 मिनट्स में। ग्रीन टी चल, चलो कुछ तो दे दो है। वो ऐसे कहते हैं का यश, देख इसे। देखो अभी प्यारे लग रहे दोनों खेलते हुए, कितनी मस्ती इन दोनों की। देख प्लांट टूटे ना मेरे, दोनों पिटेंगे, पॉट टूटी तो ये पैन तोड़ा हुआ है पहले से कभी। देखो ले खेल, भाई बोला तो ले खेल। गिरा ना दे यश, गिरा देगा ये बहुत मच जाएगा, और जाएगा गिर जाएगा देख ले। मैं जीता। हाँ अब एक और चांस, अब ना मत दो। फ्रेंड्स हमारी जेली बनके तैयार हो गई, देखो कितनी अच्छी दिख रही है। ये भी देखो जेली मैंने मोल्स में भी डाली थी, वो भी है। तो अब हम इसे निकाल के देखते हैं। इसको पहले ऐसे करके टर्न कर दो, और इसे धीरे धीरे करके थोड़ा पुश करो। ओह माय गॉड कितनी अच्छी दिख रही है। दूसरी वाली भी खाने का मन कर रहा है, यश को खाने का मन कर रहा है। ये वाली निकालते हैं मोल्स वाली, मोल्स वाली से पॉप करने वाली है। टूटना मत, टूटना मत, निकल गया। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या कमाल है। जिंजर ब्रेड सत्यानाश। देखो मुंडी अलग होगी। अरे उल्टा करके निकालना, उल्टा करके निकाल। ऐसे करो, ऐसे करो, और ऐसे। हाँ एक एक निकाल दे, एक एक ऐसे कर दो। देखो वो डिजाइन में एक साथ ही निकल। हाँ थैंक्स। ओ आपको तो पता है, बेटर। थैंक यू मम्मी। देखो एक साथ निकलेगी, आपको हाथ टच नहीं करना पड़ेगा, और है ना। हाँ इतने सारे, इतने सारे, इतने सारे, बाप रे मैं तो खा जाऊं। इसका फेस दिखाना, ये तो खा जाएगा दोस्तों। देखो एक वाइप आज दिन रहा है, निकल नहीं रहा है, तो आप ऐसे नाइफ लेके साइड में से हल्का हल्का सा डाल सकते हैं, ताकि देखो ऐसे निकल जाए ऐसे, ठीक है। और फिर नाइसली अच्छे से, या गुड जॉब, थैंक्स, आई एम एक्सपर्ट। केक अच्छा लग रहा है, काके देखा केक। One second. तो ये देखिए दोस्तों, इन्होंने शाम को ना अभी ये जो है जेली बनाई थी, और इसका पैकेट कहाँ है, पैकेट फेंक दिए गए। डीमार्ट से लेके आई थी मैं, और ये लगी हुई थी दोनों, मनीषा और ये मनु, और यश भी इधर रेडी है जेली खाने के लिए। तो घर की बनी हुई जेली इसने सारी एक साथ निकाल दी, और अभी जो है ये खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। उधर बना रही हूँ मैं पकौड़े, तो ये देखिए पकौड़ों की तैयारी करके रखी है। और न्यू ईयर तो क्या हुआ हमारा, मतलब स्टार्ट ही है। और दोस्त
जेली वाला और ये लगे हुए थे। मजा आया? मैंने बनाया, मजा आया, ऑल क्रेडिट बड़ा मजा आया। नाइफ उसको ना लग जाए। तो बच्चों को ना कभी कभी ऐसा एक्टिविटी करने देनी चाहिए, क्योंकि ना उनको भी मजा आता है कुकिंग करना, तो एकदम से कुछ सीखेंगे नहीं। तो कैसे बनाया आपने ये? इधर मैं बना रही मिर्ची के पकौड़े और धो ली थी मैंने, और अभी देखो कट मार लिया ऐसे, ये दिख रहा है आपको, ताकि इसमें फटे नहीं, और तेल जो अच्छे से हो गया है मेरा, क्योंकि बच्चे आप लोगों को दिखाए ना जेली बना रहे थे, तो मैं भी चली गई उनका अच्छे से ये पिक विक लेने के लिए। और ये देखिए इस तरीके से हम छोड़ देंगे। और सच्ची बताऊँ ना, मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो कि इस तरीके के मैं पकौड़े बनाई हूँ। और हाँ, इसमें मैंने आलू नहीं भरे, आप चाहो तो आलू भर सकते थे बॉयल, पर हमें नहीं खाना था आलू वाला। आलू के पकौड़े मैं वैसे बनाऊँगी, तो ये इधर कट करके आलू प्याज सारा मसाला ये रखा है, तो फिर ये बनाऊँगी, बच्चे तो यही खाएंगे ज़्यादा मज़े से। और ये देखिए उधर तीन बन चुके हैं, क्योंकि धीरे धीरे मुझे डालने में थोड़ा तकलीफ हो रहा था, डर लग रहा था फटवट ना जाए, तो इसीलिए और अच्छे से सेक दूँगी ऐसे। ये देखिए एक और बन के रेडी हो गया है, इसको निकालूंगी जो फर्स्ट बनाया था, ऐसे ऐसे इनको करते रहो। तो जी इधर गर्मा गर्म जो है ये मिर्ची के पकौड़े हैं, और ये मिक्स ऑनियन एंड पटेटो के पकोड़े हैं। इधर चटनी है ये रेडी वाली लेके आई थी, तो मैं ये जो है ना पानी पूरी वाली चटनी, तो ये हम लोग यूज़ कर लेंगे, डीमार्ट से लेके आई थी। एंड दूसरा मैं लेके आई थी जो है, नहीं लेके नहीं आई थी सॉरी, ये चटनी बनाई है हम लोगों ने, पुदीना और हरे धनिया की चटनी। और अभी चलो कुलदीप को खिलाएंगे, बाकी पकोड़े मैं इधर बना रही हूँ, तो फिर बच्चे भी वेट कर रहे हैं फटाफट। आज मन हो गया था इसीलिए बना ही दिए, तो कभी कभी जब मन होता है, बहुत टाइम हो गया था बनाए हुए, तो मुझे लगा ठीक है थोड़ा घर का माहौल भी चेंज हो जाता है, और बाहर से लाने का, लाने से अच्छा तो अपने घर पे बना के खा लो जब मन हो, तो वो फिर भी बेस्ट है। चलिए तो फिर अभी दे देते हैं कुलदीप को। कुलदीप और बच्चे सारे ही बैठ के खा लेंगे एक साथ। और चिम्बा का खाई हो यो, चिम्बा ने पटैटो ये देखो। तो चलिए अभी गर्मा गर्म पकौड़े। तो जी आ जाओ बच्चा पार्टी पकौड़े खाने के लिए सारे। ले लो ऐसे खाओ, तो ऐसे खा लो, नहीं तो प्लेट में डाल डाल के ले लो, और मैं बना रही हूँ वो जल जाएंगे मेरे, हैं तो खाओ और फिर बताओ मुझे। चिम्बा को भी दे दो भाई, है ना, सिम्बा ने तो आलू देखो कैसे कर दिया है, पकोड़े नहीं खाएगा सिम्बा हमारा, बहुत हेल्थ का ध्यान रखता है, कच्चा आलू खा लेगा पर पकोड़े नहीं खाएगा, है ना शिम्बू? चला गया पकोड़े, चला गया, बैठ गया पापा की शरण में जाके कि मुझे भी दे दो पापा पकोड़े। थोड़ा सा कम करके गई ना, तो इसमें ऑयल भर जाने का चांस हो जाते, थोड़े से मीडियम उस पर बनाओ ना, तो फिर ऑयल नहीं भरता है ज़्यादा, बाकी ऑयल में तो पनीर आया तो ऑयल तो आना ही आना है दोस्तों। चलो जल्दी से खा लो। और ये सिम्बा ने फैला रखे हैं देखो, छोटा बच्चा हमारा, इसको भी दे देना एक मिर्ची हटा के, टेस्ट तो करेगा। हाँ मिर्ची वाले बच गए, बच्चे ले गए, ला रही हूँ अभी और बन रहे हैं। और चटनी देख लो, कोई से ने भी चटनी ली हो तो लो, इसमें दे देती पापा को, तू ले ले उसमें, ये लो जो मर्जी जिसमें ले लो चटनी, ना एक काम करना ऐसे डाल लेना है, जितनी यूज होएगी उतनी कर लेना, ठीक है? चलो कैसे लगे? ठीक है, मुझे ही लग रहा था क्या कड़वा सा थोड़ा, कड़वे तो नहीं है, नहीं है ना, तो फिर मैंने वो तुम लोगों ने जेली खिला दी उसके ऊपर मैंने वो लिया ना, शायद फिर उसकी वजह से हो गया। इसको दिया दे दो ना, आलू चुरा के ले गया मम्मा की इसमें से, हैं गंजू दे दो रे, भूख लग रही है, रोटी तो दी थी मैंने इसको, पर टाइम हो गया अभी इसका। तो दोस्तों देखिए मजे से खा रही हैं, तो अच्छा भी लगता, अच्छा लगा तो टेस्ट चेंज हुआ। और इधर दिखाती हूँ, ये बैठे हैं बच्चा पार्टी, सिम्बा पार्टी, उसको भी दे देना। दिया उसको, दे दो एक पटेटो का, ठंडा है ना सिम्बू, बैठ जा
ये हटा दे नीचे से, देख उधर बैठ जाएगा। अच्छा लगा ऐसे बैठ के खाते ना तो बहुत अच्छा लगता है, और खिलाने में भी मजा आता है ना सिंबू। गलम गलम पकौड़ी, ठंडा ठंडा मौसम, बहुत ठंडा वेदर हो रखा था तो ठीक है, कभी कभार बनता है। तो ये देखो थम दिखा रहा है, अच्छा लगा है ना। और मेरी मूवी मैंने स्टॉप करके रखी है, द साइलेंस क्या लिखा है। तो देख रही थी, बड़ी मस्त मूवी है दोस्तों ये, इस पे है नेटफ्लिक्स पे। तो चलो मैं पकोड़े डाल के आई थी, बीच में ब्रेक ले लेती हूँ। बीच में ब्रेक ले लिया था, एक जगह खड़े खड़े बोर हो जाती, उसको पलट के चली गई थी, तो मीडियम फ्लेम में है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखी गैस तो हो जाता है। क्या चाहिए बिट्टू? ज़्यादा सॉस नहीं लेना, आप दही से खा रहे थे तो दही से खा लो, दही से भी बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों। ये आलू है ना इसमें, तो हम लोग ना उधर गांव में थे हरियाणा में, तो क्या करती थी मैं, आलू के कुट्टू के पकोड़े बनवाती थी नवरात्रों में, और उसमें ढेर सारी मिर्ची, हरी मिर्च, और मस्त में फिर वो आलू के साथ, आलू और दही के साथ खाती थी, बड़ी अच्छी लगती थी, बहुत टेस्टी। कभी ट्राई करना उपवास हो तब, और वो पच भी जाता है, आप खा रहे हो ना कुछ ऐसी फ्राई वाली चीज़ें तो दही के साथ लो तो अच्छा लगता है, बट अपना अपना टेस्ट है, जिसे जो अच्छा लगे। और ये देखिए पकौड़े, अब ये भी हो जाएंगे रेडी, तो फटाफट इनको दे दूँगी, बस थोड़े से और बचे हैं। और उधर बनाऊंगी मैं अभी सिम्बा की रोटी, क्योंकि ये गैस बड़ी पे ही बनेंगे, नहीं तो इनमें ऑयल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं सोच रही थी कि सिम्बा के जो है रोटी बना दूंगी, और उसमें बेसन जाम लिया था ना उसको भी दूंगी, उसका भी लेट हो रहा है एक्चुअली। एक रोटी रखी थी वो मैंने उसे दे दी थी शाम को अभी, तो एक से क्या होगा, उसका बहुत छुटकी सी थी। तो ये देखिए इसमें ना मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक और थोड़ी एक चुटकी हल्दी, और ये क्या बोलते प्याज, आलू, बेसन, हींग, और सूखा धनिया होता ना दाने वाला वो पीस के, दरदरा और जीरा वो डाला है बस, और कुछ ज़्यादा नहीं, टेस्टी बनते। नमक तो चलिए मैं भी बना देती हूँ, खिला देती हूँ इन लोगों को।